से जहां बाड़ी घाटी टोल नाके पर बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। बीती रात दो गाड़ियों में सवार होकर आए बदमाशों ने टोल नाके पर तोड़फोड़ की और टोल की बैरिकेटिंग तोड़कर बिना टोल चुकाए मौके से फरार हो गए। टोल नाके पर बदमाशों के हुड़दंग की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई है। टोल कर्मियों ने बताया कि बदमाशों ने टोल प्लाजा पर लूट की भी कोशिश की थी लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी करवा दी लेकिन बदमाशों को नहीं पकड़ा जा सका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। खाकी का खौफ शायद कहीं नजर ही नहीं आ रहा है और यही वजह रही कि टोल नाके पर लूट की ये कोशिश की गई। जी मीडिया संवाददाता हनुमान तंवर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं और अधिक जानकारी के लिए उनका रुख कर लेते हैं। बाड़ी घाटी टोल प्लाजा पर हनुमान लूट की कोशिश की गई थी और तस्वीरों में साफ तौर पर बदमाश नजर भी आ रहे हैं, पुलिस को क्या कोई सफलता यहाँ पर मिल पाई अब तक? देखिए पूजा, ये नागौर जिले के अंतिम छोर बाड़ी घाटी की घटना है। बाड़ी घाटी का जो टोल प्लाजा है उसके बाद में अजमेर जिले की सीमा प्रारंभ हो जाती है। ये जो घटना हुई है देर रात की घटना है। बदमाश दो गाड़ियों में सवार होकर आए, जो टोल कर्मी थे उनके साथ मारपीट की, उनसे गाली गलौज भी की और टोल प्लाजा के ऊपर तोड़फोड़ की, जिसके जो वीडियो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। जो टोल कर्मियों के साथ उन्होंने मारपीट की उसके साथ साथ उन्होंने लूट की भी कोशिश की लेकिन जो टोल कर्मी हैं उनकी सतर्कता की वजह से ये घटना टल गई और बाद में बदमाश वहां से फरार हो गए। पुलिस को जब सूचना दी गई उसके बाद में पुलिस ने कई जगह नाकेबंदी करवाई और कई जगह दबिश भी दी है लेकिन अभी तक इस मामले में कोई बड़ी सफलता पुलिस को नहीं लग पाई है। जी पूजा, चलिए अभी देखने वाली बात होगी पुलिस से बदमाशों तक कब तक पहुंचती है और मामले में क्या कार्रवाई करती है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हनुमान आपका।